तो फाइनली दोस्तों पैन इंडिया में रिलीज होने वाली तेलुगु सिनेमा की एक और मच अवेटेड और बिग बजट फिल्म लाइगर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते काफी धमाकेदार अंदाज में रिलीज होने को तैयार है, जिसकी एडवांस बुकिंग को आज से शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों आज शुरू होते ही इस फिल्म ने एडवांस में अभी तक कितने करोड़ की कमाई कर ली है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर फिल्म लाइगर के बजट के बारे में और इस फिल्म को हिट होने के लिए कितने करोड़ की कमाई करनी है इस बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी विजय देवरकोंडा के डाहार्ट फैन से और उनकी मच अवेटेड फिल्म लाइगर का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बता दें चले आपको कि लाइगर एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसके लीड में आपको विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे, रोनित रॉय और राम्या कृष्णन नजर आने वाली है। अमेरिकन बॉक्सर दोस्तों माइक टायसन भी इस फिल्म में एक कैमियो के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं, जिसका बजट लगभग 90 से 120 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। बता दें चले दोस्तों आपको कि लाइगर पूरी जगन्नाथ द्वारा डायरेक्ट की गई है, जिसे कि हिंदी और तेलुगु दोनों ही भाषाओं में शूट किया गया है। और अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और इस फिल्म के एडवांस की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइगर के टीजर और ट्रेलर को तो ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल चुका है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म के गाने ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आए हैं। और यही वजह है दोस्तों कि लाइगर की जो प्रमोशन और इस फिल्म की जो एडवांस है, इसमें कुछ खास ओपनिंग मिलती हुई नजर नहीं आ रही। दोस्तों बता दें आपको कि आज इस फिल्म की कुछ ही सिनेमाघरों में एडवांस को शुरू किया गया है, जहां से इस फिल्म ने अभी तक 5 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर दिया है, जो कि एक तरह से काफी अच्छा कलेक्शन माना जा सकता है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 अगस्त को तेलुगु में, वहीं दोस्तों 26 अगस्त को हिंदी में रिलीज किया जा रहा है। यह फिल्म दोस्तों 25 अगस्त को हिंदी में प्रीमियर के लिए रिलीज कर दी जाएगी, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को एक्चुअल में 26 अगस्त को ही हिंदी में रिलीज किया जाएगा। बताते चले दोस्तों आपको कि लाइगर पैन इंडिया में रिलीज होने वाली विजय देवरकोंडा की पहली फिल्म है और इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में मिलाकर लगभग 4.5 से 5 हजार स्क्रीन पर रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। उम्मीदें हैं दोस्तों कि लाइगर में आपको काफी अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा, विजय और अनन्या के बीच की जो केमिस्ट्री है वो भी काफी अच्छी नजर आएगी। साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी इस साल की वन ऑफ द टॉप ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल होगी। बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ये फिल्म हिंदी में अपने पहले दिन लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है, तेलुगु में इस फिल्म का अपने पहले दिन का कलेक्शन 9 से 10 करोड़ रुपए का रह सकता है, वहीं दोस्तों तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा को मिलाकर इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का कलेक्शन लगभग 22 से 25 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया नेट पर रह सकता है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन 30 से 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है, जो कि दोस्तों राउडी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग रहेगी। अब देखना यही है दोस्तों कि इस फिल्म को किस तरह के रिव्यूज मिलते हैं, क्योंकि इस फिल्म को हिट होने के लिए तो कम से कम 100 से 120 करोड़ रुपए की कमाई इंडिया में करनी है। देखना यही है दोस्तों कि ये फिल्म हिट हो पाती है या नहीं। क्या आप भी दोस्तों लाइगर के लिए एक्साइटेड है या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।